मिस्टर हार्ट जो कि बहुत ही प्रमुख कैरेक्टर है ओलिवर गोल्डस्मिथ के सीज़ ऑफ स्टुकनकर प्ले की। तो जानते हैं कि मिस्टर हार्टकास्टल के कैरेक्टर के बारे में इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं मिस्टर हार्टकास्टल का नेचर के। मिस्टर हार्टकास्टल इज एन ओल्ड फैशन पर्सन, एक बहुत ही पुराने फैशन के व्यक्ति हैं, पुराने जमाने के। ही रिसाइड्स इन एन ओल्ड डिकेइंग प्लेस विच लुक्स लाइक एन, एक ऐसे पुराने से एक खंडर से स्थान में रहते हैं जो कि एक सराय की तरह, मानी सराय की तरह है, उसमें रहते हैं। ही लाइक्स ओल्ड थिंग्स, वह बहुत ही पुरानी चीज़ों को पसंद करते हैं। ही स्पीक्स इन प्ले, वो खेल खेल में बोलते भी हैं, आई लव एवरी थिंग डैट इज ओल्ड, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड वाइन एंड ओल्ड वाइफ। तो अब उन्हें पुरानी चीज़ें, हर पुरानी चीज़ पसंद है, चाहे वो ओल्ड फ्रेंड्स हो, ओल्ड वाइन हो और ओल्ड वाइफ ही क्यों ना हो। ही मिस्टर हार्टकास्टल इज जेंटल, वो जेंटल हैं और बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। ही इज ए लवली हस्बैंड, बहुत एक प्यारे से हस्बैंड भी हैं, हु लाइक्स हिज वाइफ डिस्पाइट द रियलिटी दैट देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर नेचर। वो जानते हैं कि उनके नेचर में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, वो फिर भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। ही लाइक्स एवरी थिंग दैट इज ओल्ड एंड डज नॉट लाइक द न्यू ड्रेसेस, उन्हें सब चीज़ें पसंद है जो ओल्ड होती हैं, उन्हें नई ड्रेसेस पसंद नहीं है, नए फैशन पसंद नहीं है, जो कि पूरी कंट्री, पूरी जो लंदन से जो उस गाँव में उनके में फैले हुए हैं, यानी लोग जो फैशन करते हैं। ही लाइक्स हिज हाउस द मोस्ट, उन्हें उनका घर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है क्योंकि वो पुराना है। लवर्स ऑफ ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियों के प्रेमी हैं। मिस्टर हार्टकास्टल लव्स ओल्ड स्टोरीज, उन्हें पुरानी कहानियाँ बहुत पसंद है। ही टेल्स देम इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, चाहे वो सीजन हो या नहीं हो, वो हमेशा उन्हें पुरानी कहानी को सुनाते हैं। ही आल्सो होप्स अदर्स टू एंजॉय हिज टेल्स एंड लाफ ओपनली, और वे उम्मीद भी करते हैं कि दूसरे लोग उनकी कहानियों को इंजॉय करेंगे और हंसेंगे। ही बिगिंस टेलिंग हिज स्टोरीज टू मालो, वो अपने मालो को भी कहानी सुना अपने बेटे को, एंड हेस्टिंग आल्सो एज सून एज दे कम टू हिज हाउस, जब भी कभी हेस्टिंग से मालो उनके घर आते हैं उनको वो कहानी सुनाते हैं। एंड इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड शॉक्ड व्हेन दे डू नॉट केयर टू लिसन टू हिम, उन्हें जब बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि जब वो उनकी कहानी को ध्यान से नहीं सुनते। हार्टकास्टल डील्स विद हिज सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट से लाइक द मेंबर्स, लाइक एज द मेम्बर्स होते, वो अपने परिवार के सदस्यों के रूप में सर्वेंटों के साथ डील करते हैं। एंड इज काइंडली एंड इंटेलिजेंट टू देम, उनके प्रति काफ़ी दयालुवान भी हैं। दे आल्सो लव एंड रेस्पेक्ट हिम, और वो भी उनका सम्मान करते, प्यार करते हैं उनसे। हार्टकास्टल स्टेज टू सर्वेंट, अक्सर अपने सर्वेंट से कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ट्रेनिंग देम इन टेबल मैनर्स दैट नॉट टू लव व्हेन ही टेल्स हिज टेल्स टू हिज गेस्ट, जब वो अपने किसी गेस्ट को कहानी सुनाए और जब वहाँ पर कोई भी टेबल मैनर्स सब लोग बैठे तो उन्हें को उस वक्त नहीं हंसना चाहिए। एक टेंडर फादर, को एक बहुत ही, एक फादर है जो बहुत ही टेंडर है अपने बच्चों के प्रति। हार्टकास्टल इज ए टेंडर फादर टू हिज डॉटर एंड मिस निविलियर टू, वो अपनी बेटी और अपनी मिस निविलियर जो उसके प्रति काफ़ी टेंडर नाजुक है। टॉनी हैज प्लेड प्रैक्टिकल जोक्स ऑन हिम सो ही हैज बीन लिटिल डिसप्लीज्ड, यानी टॉनी अक्सर कहता है उनके प्रैक्टिकल जोक्स पर हंसना शुरू कर देता है, जोक्स मारता है, तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं है। हालांकि ही हैज एग्रीड टू हाइड हिज a secret to so that they may get more time to refine him, but as soon as he finds that his minority is being out put to wrong use, he instantly comes out with the real thing. यानी वो अपनी एज को सीक्रेट रखना चाहते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा समय मिल सके, लेकिन अक्सर ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ही इंस्टेंटली, और वो फिर इस चीज़ को रियलिटी महसूस भी कर लेते हैं। देयर इज गुड ट्यूनिंग बिटवीन द डॉटर एंड द फादर, उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है फादर और बच्चों के बीच में। नीचे मिस्टर हार्टकास्टल लव्स हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही ऑर्डर्स मालो टू लिव हिज रेजिडेंस, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि रेजिडेंस छोड़ दे, बट आफ्टर सम टाइम ही फॉरगेट्स मी, लेकिन अंत में उसको माफ़ी कर देते हैं बाद में। हिज जेनरसिटी एंड गुड इंस्टिंक्ट अलोन ब्रिंग द टू लव स्टोरीज टू ए हैप्पी एंडिंग एंड द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट आर वेलकम बाय मैरी मेकिंग इन द मॉर्निंग, यानी रात में जो कहानियाँ, जो गलतियाँ होती हैं, जो वहाँ से दो लव स्टोरीज निकलती हैं जिनका हैप्पी एंडिंग होता है, और रात की जो गलतियाँ होती है उसको शादी करती है, यानी सुबह के समय उस पर शादी का ऐलान करके उनको गलतियों को सुधार भी कर देते हैं। इन एक कैरेक्टर ऑफ ओल्ड हार्टकास्टल की कैरेक्टर में देख सकते हैं गोल्ड स्मिथ ड्रू ए फुल लेंथ पोर्ट्रेट ऑफ द फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन, वो एक पुराने जमाने के इंग्लिश जेंटलमैन के ऊपर नजर आते हैं। ऑल ऑफ द ओल्डन टाइम विद हिज लव ऑफ हिज ओल्ड थिंग, वो हमेशा पुरानी समय का, पुरानी कहानियों को ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से हर चीज़ को वो पसंद करते हैं, पुरानी चीज़ों को, और बच्चों के प्रति भी रहते हैं कितनी गलती है लेकिन उनको माफ़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगा। थैंक यू वेरी मच।